क्योंकि मैं कहता हूँ समथिंग इज बेटर देन नथिंग, स्क्वेजी से बेटर बबल्स मुझे लगता है। आ जा रही है पंछी, ये फास्ट एंड फ्यूरियस की कार है जो वीडी से चला था। रैली मेरे भाई, चाय निकल, चाय चाय आते रहूंगा बीच बीच में, और जब भी आऊंगा मिलूंगा तो सही। आप जा करो और अच्छी खासी गर्मी थी कल, तो अभी फिलहाल सुबह के 9 बज रहे हैं और अभी मैं भाई ब्रेकफास्ट का सेटअप करने के लिए, एंड आज मैं लैपटॉप पे अप्लाई करने वाला स्किन जो मैंने परचेज किया था मार्केट से कुछ दिन पहले। बस अभी थोड़ी देर पहले बारिश आई थी काफी तेज वाली। अस्सलामुअलैकुम, टेस्ट के रिवीजन के लिए कल मैंने ब्लॉग एडिट नहीं किया था, अभी मेरे पास ऑप्शन है, मेरे पास 2 ब्लॉग पड़े एडिट करने के लिए, लेकिन अभी मैं जा रहा हूँ मार्केट काम से। खालिद भाई से मुलाकात हो जाएगी क्योंकि खालिद भाई का आज आखिरी दिन है मुंबई में, बाकी कल खालिद भाई चले जाएंगे, एंड ऑल्सो भाई खालिद भाई का गिम्बल मुझे देना है तो साथ में वो भी लेके चलता हूँ। 50% चीज़ें अपनी ऑनलाइन हो गई है करके मेरे पास कैश बिल्कुल भी नहीं रहता, तो सबसे पहले काम मैं जा रहा हूँ ATM, क्योंकि काफ़ी सारी जगह ऐसी भी है जहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट नहीं होता। आ जा रही है पंछी, मैं छोड़ अभी छोड़, चलो चलिए मिलवा। तो भाई ये एक चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी है, ये फास्ट एंड फ्यूरियस की कार है जो वीडियो से चला था। तो मुझे चाहिए था ऐसा वाला वायर बोर्ड जो कि क्यूब में आता है, लेकिन मुझे मार्केट में कहीं भी मिला नहीं है। ऐसा वाला वायर बोर्ड होता अपने वास्तव में पूरे घर में लैपटॉप लेकर घूमता रहता चार्जिंग पे लगा के। तो भाई जितने भी सारे काम थे अलहमदिल्ला सारे के सारे काम में हो गए, अभी यहीं से आगे से बॉडी में जूस पिएगा, शरबत पिएगा, उसके बाद जाएगा घर पर, उसके बाद जाएगा खालिद भाई के वहाँ पर। खालिद भाई अभी है नहीं घर पर इसकी वजह से। रैल मेरे भाई, चाय निकाल, चाय चाय घर पे, घर पे जान लो यहाँ पे खड़े करते बाद में लेके जाएगा ना, बाद में लेके जाएगा अंदर अंदर, वैसे पेट्रोल नहीं है, पेट्रोल डालना पड़ेगा। राय लेने वाला इसकी चाबी खिलाया, इसकी चाबी भी घर पे भूल गया। अरे यार तो पेट्रोल नहीं है, डालना पड़ेगा, डाल देगी, चलो वो भी डाल दें। ऑलमोस्ट 6:30 बजने वाले, तो यहाँ पे खालिद भाई अपने खालिद भाई को आपने साथ में आखिरी ब्लॉग में देख रहे हो। इंशाल्लाह जल्दी होगी, आते रहूंगा बीच बीच में, और जब भी आऊंगा मिलूंगा तो सही। इंशाल्लाह आप जा कर रहो वो मेरे ब्लॉग में देखो। चलो यहाँ पे कोई नेक्स्ट शहर का ट्रैफिक लगा हुआ है। 4 बजे घर से निकले थे और 8 बजे घर पे पहुंचे। अस्सलामुअलैकुम,
स्क्रीन अपडेट टच को एक साल हो चुका था ऑलरेडी। मुझे ये भी याद नहीं था कि मेरे लैपटॉप का एक्चुअल में कलर क्या है। तो मेरे लैपटॉप पे जो स्क्रीन लगी थी IYI वाली, उसका जो ग्लू है वो ग्लू मेरे लैपटॉप पर चिपक गया था। तो वो ग्लू रिमूव करते करते लिटरली 45 से 30 मिनट मुझे लग गए। ऑयल डाल के मैं उसको साफ किया अच्छे तरीके से। यहाँ पे एक बात आती क्वालिटी करके, जो एप्पल के मैकबुक आते हैं उनके लिए डेडिकेटेड पूरा स्क्रीन आता है जहाँ पूरा प्रॉपर कटआउट वगैरह होता है। एंड ऑब्वियस इसका प्राइस भी ज्यादा होता है, लेकिन इसमें क्वालिटी होती है। जैसे कि ये जो स्क्रीन थी मेरी, उसको निकालने के बाद पूरा ग्लू ग्लू हो गया था मैं लिट के ऊपर लैपटॉप के। जबकि अगर कोई अच्छी कंपनी का एक्सपेंसिव स्क्रीन में लगा था तो ऐसा कोई सीन मुझे देखने नहीं मिलता, स्मूथली निकल जाता। और ये जो मैं नेक्स्ट स्क्रीन अप्लाई करने वाला था ये मैं लैपटॉप के लीड के साइज के हिसाब से बड़ा था। एंड दूसरी स्क्रीन थी मेरे पास थोड़ी ट्रांसपेरेंट थी एंड मुझे ये बात पता था कि ये तो मुझसे परफेक्ट लगने वाली है नहीं, बबल्स वगैरह तो रह गई। स्क्रीन लगाने के साथ में अपने पास एक हेयर ड्रायर भी होता है, उसको धीरे धीरे करके अप्लाई करते साथ में हीट दे रहे हैं। लेकिन मैं जैसे तैसे करके मैंने लैपटॉप के ऊपर स्क्रीन अप्लाई करते ट्रांसपेरेंट वाली, क्योंकि मैं कहता हूँ समथिंग इज बेटर देन नथिंग, स्क्वेज से बेटर बबल्स मुझे लगता है। एंड बाकी स्क्रीन गार्ड के ऊपर जो बबल्स थे वो तो निकल जाएगा आज तो कल, अगर नहीं निकलेगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड ये जो लैपटॉप के लिए बबल्स ऐसा लगा डिजाइन वगैरह बना हुआ। एनी वे इस वीडियो शॉक को यहाँ तक देखने के लिए शुक्रिया। चैनल पर न्यू सब्सक्राइब करो, बाकी फॉर मोर अपडेट डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। मेरे इंस्टाग्राम आईडी की लिंक आपको जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। शुक्रिया इस वीडियो शॉक को यहाँ तक देखने के लिए। थैंक यू फॉर बीइंग पार्ट ऑफ डे नर ये मिलता आपको बहुत जल्द शॉक में इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम एंड पीस आउट। So I wanna say Alhamdulillah, God gave me everything.